नमस्कार दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं इंडियन एवं वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर देखते हैं। भारतीय भूगोल, भारत का भूगोल और वर्ल्ड विश्व का भूगोल के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनाती है? तो याद रख लिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना। अगला है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया गया? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डकोटा में। अगला है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ। अगला है, विश्व की अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन। अगला है, मिसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। अगला है, कनाडियन नेशनल रेलवे रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। अगला है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। अगला है, विलय के ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है, अफ्रीका की उत्तर उत्तमाशा अंतर्द्वीप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? बार्थोलोमियो लियाज को। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब। अगला है हमारा, चेनाव नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रे के निकट से। अगला है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। अगला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है? गॉडविन ऑस्टिन की 8611 मीटर। अगला है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी पर। अगला है, रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली। अगला है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली इटली में। अगला है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? मरे डार्लिंग। अगला है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी ने। अगला है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल वेनेजुएला में। अगला है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। अगला है, युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। अगला है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को। अगला है, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। अगला है, दहस्ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। अगला है, माओरी जनजाति निवास करती है न्यूजीलैंड में। अगला है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। अगला है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फारसनाथ। अगला है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला है हमारा, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। अगला है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई? मंगल को। अगला है, उत्तर अमेरिका में स्थित माउंट मेकली किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की। अगला है, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से। अगला है, लंदन की किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन, तो यह टेम्स नदी के तट पर। अगला है, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। अगला है, किस देश की के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के। अगला है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में। अगला है, मच्छकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का। अगला है, उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। अगला है, भारत का सर्वाधिक नगरीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला है, विलय हिल ब्लू पर्वत ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में है? अमेरिका। अगला है, वेद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं।
अगला है हमारा, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील। अगला है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? छिद्र ग्रह। अगला है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अगला है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया? चंबल नदी पर। अगला है, जोजिला दर्रा किन 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 को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। अगला है, ए एस्किमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? इग्लू। अगला है, नदियों के ज्वार नद मुख में कीचड़ वाले किनारों के पास के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाली ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? गरान या मैंगो। मैंगो। अगला है, बुम्ब कूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी सेल में। अगला है, वुअर बांध किस नदी पर बनाए गए? कोलो रेडो पर। अगला है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन। अगला है, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को। अगला है, ओबेरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश की। अगला है, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नीदरलैंड में। अगला है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई थी? अगला है, यह 1902 में शिवा समुद्रम में। अगला है, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में। अगला है, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? म्यांमार की। अगला है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में? मेघालय में। अगला है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में? बस्तर में, सॉरी लेकिन अब बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में। ठीक। अगला है, राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज से। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के। अगला है हमारा, सरदार सरोवर किस राज्य में? गुजरात में। अगला है, बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में? बिहार में। अगला है, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास। अगला है, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। अगला है, रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की। अगला है, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो है 752.3 लाख हेक्टर। अगला है, देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो 23। अगला है, फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सेरा लियोन की। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन सा है? मंगोलिया। अगला है, करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में, जेम्बजी नदी पर। अगला है, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान में। अगला है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? स्वेज एवं स्वेज तथा पोर्ट सईद। अगला है, बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? सोफिया। अगला है, वक्केश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। अगला है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। अगला है, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? वेनेजुएला को। अगला है, वन विज्ञान तकनीक एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलोर में। अगला है, पश्चिम बंगाल का टीटा मठ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखाने में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 1881 में। अगला है, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम की। अगला है, बेम्बानाथ झील कहाँ स्थित है? केरल में। अगला है, डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी स्थित है? कलकात्मा में। अगला है, बैरोमीटर कपारा या कायक एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी मौसम का। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई रेड क्लिफ रेखा द्वारा।
अगला है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, मंगोलिया में। अगला है सोफिया किस देश की राजधानी है, बल्गेरिया की। अगला है मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क में 1981 में स्थापित हुआ था, बताइए पार्क राजस्थान के किस स्थान किन जिलों में स्थित है, तो बाड़मेर व जैसलमेर में।